जो तुम्हारा नहीं वो मेरा भी है। बहुत अच्छे हो शेरी। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनके गुस्से का तो कोई सर पैर ही नहीं है। माँ मुझे तो पापा की समझ नहीं आ रही, उनको जैसे मेरी परवाह नहीं है। कितनी शर्मिंदा हो रही हूँ मैं शेरी के सामने। उसे तो मुझे कहा है चले जाओ, लेकिन मुझे खुद अजीब लग रहा है यार। अगर मेरे मैके वालों का यही रवैया रहा शेरी के साथ तो मैं कैसे उसके साथ निभा करूँगी। मैं बात करूँ? नहीं माँ, बात तो बाबा को करनी चाहिए ना। उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कितना अच्छा शौहर है, मेरी जान छड़कता है मुझ पर। आपको पता है जब से मैं आई हूँ उससे मुझसे एक दफ़ा नहीं कहा कि तुम शादी पर ना जाओ या ये ना करो वो ना करो। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं खुद आऊँगी कार्ड देने, बल्कि मैं रमज़ा को भी साथ लेकर आऊँगी। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। शेरी तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरता तो वो है जो गलत हो। नहीं वो माँ की कॉल आई थी, वो कह रही थी। प्लीज शादी के अलावा और कोई भी बात करता हूँ। शेरी एक तरफ दुनिया मेरे नाम पे रश करती है और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वाले मुझे घास नहीं डालते। खैर तुम पे कोई पाबंदी नहीं है, अगर तुम चाहो तो जा सकती हो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगी। सो okay, सबके अपने अपने रिलेशंस होते हैं यार, जा सकती हो तुम। नहीं है, जो तुम्हारा नहीं वो मेरा भी है। बहुत अच्छे हो शेरी। तुम देखना इंशाल्लाह शादी तक सब ठीक हो जाएगा।